भूत प्रेत पीड़ा एवं ऊपरी बाधा के लक्षण तथा बचाव के जानिए क्या उपाय है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना किसी वजह के अस्वस्थ रहने लगता है, उसे नींद नहीं आती है और डरावने सपने आते हैं। लोग मानते हैं कई बार बुरी नजर या फिर प्रेत बाधा के कारण ऐसा हो सकता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे करें इसकी पहचान और किन उपायों से दूर करेंगे ये आप समस्या। आइए जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखिए। अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए और कष्टों को विभिन्न उपायों के माध्यमों से कम करने के लिए प्रायः लोग चौराहे आदि पर लौंग, नींबू, भोजन इत्यादि उतार कर रखते हैं। इन वस्तुओं पर सर्वप्रथम जिसका पैर पड़ता है वह उससे प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर से उतारी गई वस्तुएं अक्सर 20 चौराहे पर पाई जाती हैं। कभी कभी जाने अनजाने में किसी व्यक्ति का चौराहे पर रखी हुई इन वस्तुओं पर पैर जो है अचानक पड़ जाता है अथवा कोई इन्हें लांग कर चल देता है तो वह अस्वस्थ होने लगता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। ध्यान दें, जब अकारण ही मन उदास होने लगे, मनोस्थिति असामान्य रहे, सिर अक्सर भारी रहने लगे, शरीर पर बहुत बोझ अनुभव हो, आंखें अक्सर लाल हो जाए, कभी बहुत अधिक एवं कभी बहुत कम भूख लगे, पागलों जैसी व्यक्ति हरकत करने लगे, व्यर्थ में बड़बड़ाना एवं बिना किसी ठोस वजह के बहुत थकान का अनुभव करना, सोते में उठकर चल देना अथवा चौक जाना, जागृत अवस्था में भी विचित्र दृश्य एवं वस्तुएं दिखना, हमेशा भय का अनुभव करना, सर्प के स्वप्न देखकर डरना, किसी निश्चित समय में कोई निश्चित शारीरिक एवं मानसिक परेशानी अकारण उत्पन्न हो तो यह सब ऊपरी चक्कर के संकेत हैं। अगर यह सब है तो सतर्क रहिए और अपनी सुरक्षा एवं अदृश्य बाधाओं से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि रात्रि में दूध पीकर एवं खीर खाकर अकेले घर से बाहर न निकलें। ध्यान रखें, पीपल, बरगद एवं इमली के वृक्ष के नीचे न थूकें तथा न ही अन्य किसी प्रकार से गंदगी करें। इत्र लगाकर रात्रि के समय बाहर न जाएं, न ही एकांत में रहें। जब भी किसी कारण से श्मशान में जाना पड़े तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां अवश्य चबानी चाहिए। सुरक्षा हेतु मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए तथा सिंदूर की बिंदी भी लगानी चाहिए। जिस व्यक्ति पर यदि ऊपरी बाधा का प्रभाव हो तो उसको अपने शयन कक्ष में मोर पंख इस प्रकार रखना चाहिए कि वो उसे दिखते रहे। यदि कोई साधु, सन्यासी, तांत्रिक एवं टोटके करने वाला व्यक्ति कोई सुपारी, लौंग, इलायची एवं पान आदि वस्तु खाने के लिए दे तो उसका त्याग कर दे, मतलब उसका सेवन न करे, अपितु उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी वस्तुओं को साथ में भी न रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।